हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए नवरात्र स्पेशल व्रत की इडली लेकर आई हूँ। आप इसे किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और 15 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक बड़ा कप मोरधन यानी कि समक का चावल ले लिया है। इसे हमने भिगोना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हम डाल देते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर में। एक बड़े चम्मच के लगभग हमने साबूदाना लिया है, इसे भी हमने भिगोया नहीं है। इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है दरदरा। तो ग्राइंड कर लेते हैं हम इसे। अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो चुका है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही रहने देना है इसे। तो इस तरह से ही रखना है। तो इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये पाउडर बना हुआ है दरदरा सा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं एक कप दही। दही थोड़ा खट्टा ही होना चाहिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक बैटर बना लेंगे, जिस तरह से हमारी इडली का बैटर होता है बिल्कुल उसी तरह से। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें, इसमें ज़्यादा पानी सोक नहीं होता है, इसलिए एकदम से पानी ना डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका पेस्ट कितना बढ़िया बन रहा है, बिल्कुल लम्स फ्री। हमें इसका बैटर बनाकर तैयार करना है और ये इडली का बैटर बहुत ही टेस्टी बनता है और व्रत में भी हम इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। और ये ऑयल फ्री भी होता है, इसमें बहुत कम ही ऑयल इस्तेमाल होता है। तो बैटर एकदम हमारा तैयार हो चुका है। तो 5 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं कवर करके, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। 5 मिनट बाद देख लेते हैं, हमारा राइस बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब इसमें पानी ना डालें। तो अब इसमें हम डाल देते हैं नमक व्रत वाला और 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है, जिससे अच्छी तरह से फूलेंगे। तो मिक्स कर देते हैं इन्हें और फटाफट से इडली का स्टैंड भी हम देख लेते हैं। अब इडली ट्रे को हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल या घी से अच्छी तरह से, और 10 मिनट के अंदर ही ये स्टीम हो जाती हैं और हमारी व्रत की इडलियाँ भी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो अच्छी तरह से हमने ग्रीस करके अब इसमें हमें डाल देना है, बिल्कुल जिस तरह से हम इडलियों के लिए बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। आप चाहें तो इसमें जीरा का तड़का भी लगा सकते हैं। तो ये रेडी है। बर्तन में हम डाल देंगे पानी, जिस तरह से हम इडली बनाते हैं, और इसको रख देते हैं स्टीम होने के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हमारी इडलियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो देखिए बन गई ना हमारी बहुत ही स्वादिष्ट इडली, एकदम साफ हमारा स्पून आ रहा है। इन्हें निकाल लेते हैं, ठंडा करने के बाद ही निकालें। 5-6 मिनट इनको ठंडा कर लीजिएगा, बहुत ही स्पॉन्जी बनी है ये। तो इस तरह से हम सारी निकाल लेंगे। तो आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, मैंने चटनी की रेसिपी आपसे बताई है, आप देख सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। बहुत ही स्पॉन्जी हमारी व्रत की इडली बनकर तैयार हो गई हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से रेसिपीज आपको मेरे चैनल में देखने को मिलती ही रहेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।